अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रेती बंदर पर एक शख्स से दो अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट कर उससे करीब 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा लूट लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंब्रा के रहने वाले अरफात काशमानी, जो एक टुडे वाइस न्यूज चैनल भी चलाते हैं और इनका अमूल डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम है, और इनका ड्राइवर तौसीफ हुसैन साबले और 3 से 4 अन्य लोग कलवा में माल डिलीवरी करने के लिए गए थे। और रात के समय जब ये कलवा से वापस लौट रहे थे, रेती बंदर के पार होते ही बताया जा रहा है कि तौसीफ को पेशाब लगी और ये गाड़ी रोककर झाड़ियों में खाड़ी के नज़दीक जो है ये पेशाब करने के लिए चले गए। इसी दौरान बताया इन्होंने कि दो युवक वहाँ पर आए और तौसीफ पर ब्लेड से हमला कर दिया और इनके पास जो बैग था उसमें करीब 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा कैश था, वो लेकर फरार हो गए। हालांकि इन लोगों ने पुलिस में भी शिकायत इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराई है। किस तरह से ये लूटपाट की घटना, मारपीट, ब्लेड से वार हुआ है, क्या कुछ तौसीफ और अरफात काशमानी ने बताया है, आपको सुना दें। अरफात भाई, ये अमूल की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपके बंदे से कुछ पैसे और कुछ रेती बंदर पे चोरी आ गई। कितने पैसे थे और किस तरीके से चोरों ने आपके ड्राइवर से चोरी? मेरा अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, डेली बेस पे हम लोगों का सप्लाई होता है और कैश में माल, मतलब मार्केट में सप्लाई होता है। आज कलवा का एरिया था, कलवा में अमूल का माल सप्लाई करने के लिए हमारी टीम गई हुई थी गाड़ी के साथ में। एक गाड़ी पे एक ड्राइवर और 2-3 बंदे रहते हैं जो माल सप्लाई करके रात में वापस आते हैं। अभी कलवा से डिलीवरी करके ये लोग रिटर्न आ रहे थे, रेती बंदर से थोड़ा आगे और मुमरा बाईपास से थोड़ा पहले बीच में, मतलब इसको पेशाब लगने का वो हुआ, तो इसने गाड़ी रास्ते में रुकाया और वहीं पर अंदर झाड़ी में मुतने के लिए खड़ा हो गया। इसका ये कहना है कि दो लोग इसको पीछे से हमला किए, इसके हाथ पे ब्लेड वगैरह से वार मारे और इसके हाथ से पैसे की बैग छीन के चले गए। अर्थात भाई, ये बंदा अकेला था या इसके साथ में और लोग? और 3-4 लोग थे, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, ये पेशाब करने के लिए अकेला निकला था। ये ड्राइवर का नाम क्या है? ये ड्राइवर का नाम है तौसीफ हुसैन साबले। आपके इधर कितने साल से? 1.5 साल से तकरीबन काम कर रहा है। आपने गाड़ी किस जगह रोकी थी? रेती बंदर, रेती बंदर में बस स्टॉप जेसी क्रॉस के उसके पास साइड में लगा के रोक दिया था मैंने। तुम्हारे साथ गाड़ी में कितने लोग? मेरे साथ में और 3-4 जन थे जो गाड़ी में ही बैठे थे। अच्छा, गाड़ी से कितनी दूरी पे आप गए थे वहाँ पैसे के लिए? 15-20 कदम की दूरी पे ही था मैं, ज्यादा भी नहीं। हाँ। और दो जन जो हमला किए, ये पहले से वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं असल में गया वहाँ पर, असल में जब मैं मुतने को उतरा तो वहाँ पर जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर एक लेडीज और एक लड़का, मतलब बाइक पे थे ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा था वही, लेकिन अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे बैठ के पेशाब करना था, तो इसके वजह से मैं थोड़ा झाड़ी की तरफ गया थोड़ा और वहाँ पर बैठ के पेशाब जैसे शुरू किया तो वहाँ पर झाड़ के पास से दो बंदे आए। एक काला सर का था, कान में बाली थी और हाथ में उसके कड़ा था और कैप भी पहना था, और एक था नॉर्मल था, ज्यादा दुबला पतला भी नहीं था, मीडियम ही था, उसके बाल थोड़े अतरंगी थे। आपने आवाज नहीं लगाई? आपके साथ में भी 3 लोग थे गाड़ी पे? मैं आवाज दिया छोड़ो करके, चिल्लाया भी, लेकिन ये लोग का आवाज सुनाई नहीं थी, मैं तो बहुत चिल्लाया। बाद में फिर वो जब जैसे मैं उठा ना और मैं भागने लगा तो बैग पकड़ के जो है खींचे, और जब मैं छुड़ाने गया इसलिए मेरे हाथ पे वार पड़े। हाथ पे वार पड़े, ब्लेड था उन लोग के हाथ में, ब्लेड एक ही हाथ में ब्लेड था, वो जो दुबला पतला लड़का था ना, ज्यादा जाड़ा नहीं था, उसके हाथ में ब्लेड था, उसके हाथ में वार। हाँ, मैं बैग, असल में बैग तो ही सेफ्टी करना था मुझे, इसके वजह से मेरे हाथ पे वार मारे। बैग असल में मैं ऐसा बैठा था, जब उठा ना मैं तो सीधा बैग ही पकड़ लिया उन्होंने। बैग आपका कैसा था? दोनों कंधे पे हाँ, जैसा कॉलेज बैग वैसा ही था, एग्जैक्ट वैसा ही था, इसीलिए जब मैंने बैग को पकड़ा ना तो मेरे हाथ पे वार पड़ा, बैग खींचे हम खाची में, तो मेरे हाथ पे वार पड़ा तो फिर
खींच के निकल गए, भाग गए, तो मैं तब तक के भागा तो कीचड़ में, मेरे को असल में धक्का पड़ा तो मैं गिरा थोड़ा, बैठ गया। तो फिर जब मैं उठ के भागा ना कीचड़, आवाज दे रहा, तब फिर बाद में दूसरे मेरे जो गाड़ी पे थे वो लोग फिर आए, तब तक के वो लोग भाग चुके थे, मुमरा की तरफ भागे सर, पीछे की तरफ। असल में कैसे वहां पर खाड़ी है तो वो लोग पीछे की तरफ से, अब इस तरफ गए उस तरफ गए वो तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो उस तरफ से निकल गए। गई तो उतने में सब साथी लोग आए, हम लोग आगे पीछे देखे, लेकिन कोई तुम्हारा वही रास्ता है क्या? डेली डेली का नहीं है, हफ्ते में वीकली एक बार तो आना जाना हमारा रहता ही है, वीकली मतलब पेमेंट लाना। हाँ, असल में गाड़ी में ड्राइवर भी मैं ही हूँ और कैशियर भी मैं ही हूँ, और मैं असल में बैग भी गाड़ी में छोड़कर नहीं जा सकता, इसके वजह से मैं बैग लटका के ही रखा था।